भारत माता की जय। मां विपत्तारिणी, ये स्थान बंगाल की समृद्ध विरासत, बंगाल की सामुदायिक ताकत का प्रतीक है। ये स्थान नेताजी सुभाष और शरद चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ है। मैं इस पुण्य स्थली को प्रणाम करता हूं। साथियों, इस समय देश नेताजी का 125वीं जयंती मना रहा है। अभी जनवरी में पूरे देश ने उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। उस दौरान कोलकाता में भी ऐतिहासिक समारोह हुआ, मैं भी उसमें शामिल हुआ था। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि दिल्ली से लेकर अंडमान निकोबार तक जहां जहां भी नेताजी के पराक्रम चिन्ह है, वहां उन चिन्हों को पूरे गौरव के साथ पुनः स्थापित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, नेताजी सुभाष ओडिशा में पैदा हुए, बंगाल ने उन्हें शिक्षा दी, उनका मार्गदर्शन किया, लेकिन उनकी पहचान भारत मां के सपूत के तौर पर है। जब अंग्रेजों ने हमारी एकता में फूट डालने की कोशिश की थी, तो नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, भारत एक है और हर भारतीय की आशाएं आकांक्षाएं एक जैसी है। आज बहुत पीड़ा होती है जब नेताजी की सोच के बजाय तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी बोयरा गोतो की बात करती है। ये नेताजी का भी अपमान है और देश के संविधान का भी अपमान है। त्रिपुरा में, असम में, मणिपुर में, जहां जहां भाजपा की सरकारें बनी तो मुख्यमंत्री भी वहीं के होते हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही होगा। 2 मई को बीजेपी की ऐतिहासिक विजय के बाद इसी धरती की संतान बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करेगा। तो फिर यही राग के न दीदी, 10 साल तक आपको बंगाल ने सेवा का मौका दिया, फिर यही राग के न दीदी, आपने बंगाल के लोगों की आशाएं उम्मीदें तोड़ दी, फिर यही राग के न दीदी, आपने हर सरकारी योजना को कट मनी और सिंडिकेट के हवाले कर दिया, फिर यही राग के न दीदी, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद, उनका परिवार उजाड़ने के बाद, फिर यही राग के न दीदी, गरीब के चावल से लेकर गाड़ी तक, दुकान से लेकर मकान तक, हर जगह तोलाबाजी का, सिंडिकेट का राज चलाने के बाद, ये राग के न दीदी, बालू घोटाला, कोयला घोटाला,
भर्ती घोटाला, अम्फान राहत लूट, ऐसे अनेक घोटालों का ढेर लगने के बाद ये राग कहना दीदी, ममता दीदी आप भले ही खुद को कूल मानती है लेकिन आपके हाव भाव से पश्चिम बंगाल का मूड पता चल रहा है। दीदी छप्पा वोट है, छप्पा वोट, ये छप्पा वोट का मौका नहीं मिल रहा तो आप चुनाव आयोग को गाली दे रही है, सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही है। याद करिए दीदी, 10 साल पहले आप इन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कितना भरोसा करती थी, इसी चुनाव आयोग ने, इन्हीं सुरक्षा बलों ने, इन्हीं इसी ईवीएम ने आपको 10 साल बंगाल की सेवा करने में आपको अच्छे लगे। दीदी आप बंगाल की जनता पर विश्वास करिए, ये बंगाल की जनता अपना निर्णय दे चुकी है, ये तय हो गया है कि आपको अब टाका मार कंपनी यानी टीएमसी सहित नबन्ना छोड़कर जाना पड़ेगा। साथियों मैंने सुना है कि टीएमसी में इन दिनों बहुत बड़ा मंथन चल रहा है, ये मैंने सुना है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है। टीएमसी उसमें जो कुछ भी थोड़े बहुत समझदार बचे हैं, ये समझदार लोग वो सब दीदी ने नंदीग्राम जाने की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ताव में आकर दीदी ने नंदीग्राम जाने का फैसला तो कर लिया लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ, ये टीएमसी में जो समझदार बच्चे हैं ना उनकी चर्चा चल रही है। मुझे बताया गया है कि नंदीग्राम में अपनी हार होते देख टीएमसी ने कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि ममता दीदी को दूसरी सीट से भी लड़ाया जाए, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने फिर दीदी को स्पष्ट कहा कि ये उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी। कुछ लोग ये भी दीदी को बोले कि बंगाल में दोनों सीटों पर दीदी अगर आप हारोगी तो भविष्य में टीएमसी का एक राजनीतिक दल के तौर पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। साथियों ममता दीदी सही सलाह देने वालों से कम और गलत सलाह देने वालों से ज्यादा गिरी हुई है। गलत सलाह देने वालों ने पहले दीदी को और दीदी की स्कूटी को नंदीग्राम भेजा, अब उन्हीं लोगों ने दीदी का टिकट बंगाल से ही काट दिया है। ये पता नहीं दीदी का हित चाहने वाले लोग हैं या दीदी का अहित चाहने वाले। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये बयान आने के बाद दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, दो बातें साफ हो जाती हैं। एक तो दीदी ने
बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई, मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा दूसरी बात, दीदी आप बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाइए दीदी। यहां हल्दिया से वाराणसी का जो वॉटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। और हां दीदी, मैं आपको कान में एक और बात कहना चाहता हूं। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। जैसा आप लोगों का दिल उदार है ना, मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया। ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे, यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर दो मिनट के बाद हर दर हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी, फिर आपका होगा क्या? आप क्या करोगी? किस पर गुस्सा करोगी? मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, बनारस के लोगों पर, यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करिएगा दीदी। यूपी बनारस के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, वो इतने बड़े दिल वाले लोग हैं, वो आपको भी बहुत स्नेह देंगे और आपको दिल्ली भी नहीं जाने देंगे, वहीं रखेंगे। भाई और बहनों, यहां से कोलकाता बहुत दूर नहीं है, यहां का परिश्रमी मिडिल क्लास दिन भर दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में काम करता है, छोटा मोटा हर व्यापारी व्यापार करता है, लेकिन टीएमसी के तोलाबाज उसकी कमाई पर कट लगा देते हैं। टीएमसी के तोलाबाज गरीबों के पेट पर ही लात नहीं मारते, बल्कि उनका राशन भी लूट लेते हैं। अम्फान तूफान के समय याद है ना, अम्फान तूफान याद है ना, अम्फान तूफान के समय केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि भेजी, टीएमसी सरकार में उसे भी लूट लिया गया। कोरोना के समय में भी केंद्र सरकार ने गरीब की सबसे ज्यादा चिंता की, बंगाल के गरीबों के लिए 8-9 महीनों तक मुफ्त अनाज केंद्र सरकार ने ही भेजा, 23 लाख मैट्रिक टन चावल, 1 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा दाल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बंगाल भेजी। इस पर केंद्र सरकार ने
करीब करीब 9000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन हमें पता है ममता सरकार आपको ये मदद भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं कर सकी। केंद्र ने गरीब के लिए जो अनाज भेजा था उसमें भी टीएमसी के तोलाबाजों ने कट लगा दी। सच्चाई यह है कि दीदी राशन नहीं बेचती, दीदी गरीबों का राशन लूट लेती है। दीदी, ओ दीदी, आपने निजे टीएमसी गुंडा देर के शामलान ओदेर के बोलन एखाने मोदी एसजे एखाने ओदेर गुंडागरी चलबे ना। বাংলা চায়না টিএমসির ক্যাডারের হিংসা খেলা, বাংলা চায়না টিএমসির গুন্ডাদের অত্যাচার, বাংলা নিজের মায়েদের শিক্ষা চাই, বাংলা নিজের মেয়েদের সুরক্ষা চাই, বাংলা নিজের মেয়েদের সম্মান চাই, বাংলা নিজের মেয়েদের ন্যায় চাই। ये बार न्याय, ये बार भाजपा, ये बार बीजेपी। साथियों, मैं जब भी यहां के हस्तशिल्पी कलाकारों कारीगर बहनों से बातचीत करता हूं तो वो मुझे बताती है कि वो जो भी सामान बनाती है उसमें भी तोलाबाजी होती है ना। मुझे लोग बताते, सही बताते हैं ना, जरा आप बताइए ना, सही बताते हैं ना लोग। हाँ, महिलाओं के जो समूह है उनके लिए केंद्र सरकार बिना गारंटी के ऋण देती है, उस ऋण पर भी तोलाबाजों की नजर रहती है। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से महिलाओं को बिजनेस के लिए बिना गारंटी का लोन देश भर में महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस विषय में काफी सुस्ती है, बहुत पीछे है। डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों को भी इसका भरपूर लाभ दिलाएगी। केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना के तहत हजारों टक्का कैश, मुफ्त टीकाकरण, ऐसी अनेक सुविधाएं देती है, लेकिन यहां क्या स्थिति है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यहां आई बहन बेटियों को आज मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर मेरी बहनें, मेरी माताएं, बेटियां चौंक जाएगी, हैरान हो जाएगी। केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की जल्द सुनवाई के लिए देश भर में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा रही है, लेकिन यहां दीदी की सरकार ने इसकी स्वीकृति ही नहीं दी, फाइल दबाकर बैठ गई। क्या बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहन बेटियों के साथ दीदी ने अन्याय किया है कि नहीं किया है? यह अपराध है कि नहीं है? बेटियों को मानव तस्करों से बचाने के लिए हर जिले में
ट्रैफिकिंग यूनिट, पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क, ऐसी सुविधाओं के लिए फंड रिलीज किए गए हैं। दीदी की सरकार इन पैसों के साथ भी न्याय नहीं कर रही है। भाई और बहनों, बीते सालों में जो ये निराशा यहां फैलाई गई है, उसी को आशा में बदलना ही तो आशोल परिवर्तन है। आशोल परिवर्तन, कटमनी, बिचौलिए, करप्शन, इनको रोकने का एक बहुत सक्षम माध्यम है डिजिटल इंडिया। इससे टीएमसी को बहुत तकलीफ है, नफरत है, नफरत। टीएमसी यहां जो भी प्रकल्प चलाती है उसका लाभ टीएमसी के कैडर से ही गुजरता है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार के जो भी प्रकल्प है उसमें आपका पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जाता है। आज गरीब से गरीब को, मध्यम वर्ग को इलाज पर कम से कम खर्च करना पड़े, इसके लिए हर संभव कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दवाई बहुत सस्ती की गई है। हार्ट स्टेंट, नी सर्जरी के उपकरण, डायलिसिस, सबको सस्ते से सस्ता कैसे हो, इसके लिए लगातार कदम उठा करके उसे सस्ता किया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इलाज में भी कटमनी चलता है, कटमनी। यही वजह है दीदी की सरकार आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने के बाद वापस हट गई। भाई और बहनों, दीदी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड यहां की सड़कों पर दिखता है। राजधानी से सटा हुआ इलाका होने के बावजूद जाम और वाटर लॉगिंग की समस्या यहां आम है। सड़कें पानी से भर जाती हैं, लेकिन घर में साफ पीने का पानी नहीं मिलता, क्योंकि टैंकर माफिया पी की यही मर्जी है। बंगाल की बीजेपी सरकार आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान करेगी। साथियों, केंद्र सरकार इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो, कोलकाता सिलीगुड़ी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो, ऐसी अनेक परियोजनाएं यहां लोगों का समय बचाएगी और आप लोगों का पैसा भी बचाएगी। और भाइयों बहनों, 2 मई को डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ये काम और तेजी से होगा। भाइयों और बहनों, यहां की धरती ने द्वारकानाथ विद्याभूषण जी, राम नारायण तर्क रत्न जी, नौवी चंद्र दास जी, चिंतामणिकर जी और भारत के महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे जैसे विद्वान और क्रिएटिव लोग देश को दिए हैं। इसलिए बांग्ला साहित्य, बांग्ला सिनेमा का ये केंद्र इससे बहुत बेहतर डिजर्व करता है।
मैं पश्चिम बंगाल के कला प्रेमियों, हर क्रिएटिव साथी को आश्वस्त करूंगा कि बंगाल की बीजेपी सरकार बांग्ला साहित्य, बांग्ला सिनेमा और यहां की धरोहरों के संरक्षण के लिए सकारात्मक माहौल बनाएगी, इस दिशा में तेजी से काम करेगी। इसके लिए यहां कानून का राज स्थापित होना बहुत जरूरी है, भय मुक्त बंगाल का होना अनिवार्य है। कला और संस्कृति बम बंदूक के साए में फल फूल नहीं सकती। भय मुक्त बंगाल के लिए कमल का फूल, पौधा फूल खिलना जरूरी है। सोनार बांग्ला का है विश्वास, डबल इंजन से डबल विकास। आप कमल का फूल खिलाएंगे, भारी संख्या में मतदान करने जाएंगे, घर घर से निकलेंगे। देखिए, पहले दौर का मतदान हुआ, दूसरे वालों ने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, अब तीसरे वालों की बारी है। आपने पहले और दूसरे मतदान का भी रिकॉर्ड ब्रेक करना है। करोगे? करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताओ, करोगे? घर घर जाओगे? मतदाताओं को मिलोगे? सुबह सुबह मतदान करवाओगे? भाइयों बहनों, भाजपा के हर उम्मीदवार को भारी मत से जिताइएगा और बंगाल में बीजेपी की सरकार बना करके बंगाल को इन संकटों से मुक्त कराइए। हम लोग आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज पूरे बंगाल में गूंजनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।